Bismillahir rahim Assalamu Alaikum. Dear students, I welcome to all in Math lesson. Today we revise the numbers in sequence from 0 to 15. Count the objects and also the right numbers of the objects. And numbers match with the correct numbers of objects. सबसे पहले हम जीरो से लेकर फिफ्टी तक नंबर्स को सीक्वेंस में काउंट करते हैं जीरो वन थ्री ओ ओ क्या वन के बाद थ्री आता है ओ वन के बाद थ्री शाबाश वन के बाद थ्री नहीं आता हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नंबर सीक्वेंस में है या नहीं थ्री टू फोर six, five, ten, twelve, eleven, nine, fourteen, seven, thirteen, eight, fifteen. डियर स्टूडेंट्स क्या हमारे पास नंबर सीक्वेंस में है ओ ये नंबर्स तो हमारे पास सीक्वेंस में नहीं है सबसे पहले हम इन नंबर्स को सीक्वेंस में करते हैं वन वन के बाद नंबर आता है टू क्या ये हमारे पास टू है No ये हमारे पास नंबर टू है बिल्कुल थ्री ये तो हमारे पास नंबर थ्री है सबसे पहले हम वन के बाद टू को रखते हैं अब देखते हैं ज़ीरो वन टू थ्री बिल्कुल सही अब आगे भी हम अपने नंबर्स को देखते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फोर के बाद नंबर फाइव आता है तो यहाँ पे हमारे पास नंबर फ़ाइव कहाँ है क्या ये है हमारे पास नंबर फाइव नौ no. ये है हमारे पास नंबर फाइव गुड नंबर फाइव हमारे पास ये है जो नंबर फोर के बाद आता है ओके okay. अब हम अपने नंबर्स को काउंट करते हैं जीरो से ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स के बाद ओह यहाँ पे तो हमारे पास नंबर टेन है तो सिक्स के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है शाबाश नंबर सेवन तो नंबर सेवन को हम देखते हैं कि वो कहाँ है हमारे पास hmm, क्या ये है हमारे पास नंबर सेवन नो no, ये तो नंबर ट्वेल्व है क्या ये है नो एवन नो नंबर नाइन नो नंबर फोर्टीन येस दिस इज नंबर सेवन नंबर सेवन आता है हमारे पास नंबर टेन के पास तो नंबर टेन को हम साइड पे कर देते हैं ये देखिए अब हम जीरो से नंबर काउंट करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन के बाद आता है और ये यह यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ट्वेल्व है नंबर सेवन के बाद कौन सा नंबर हमारे पास आता है शाबाश नंबर एट आता है तो नंबर एट का फ्लैश कार्ड ढूंढते हैं कहाँ है नंबर एट का फ्लैश कार्ड क्या ये है नो no. क्या ये है नो no, ये तो नंबर नाइन है ये ये नंबर फोटीन है ये नंबर थर्टीन ये बिल्कुल सही ये है हमारे पास नंबर एट तो हम नंबर सेवन के बाद नंबर एट शाबाश अब हम दोबारा से काउंट करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट के बाद और यहाँ पे तो हमारे पास नंबर एलेवन है एट के बाद कौन सा नंबर आता है शाबाश नाइन आता है तो हम नंबर नाइन को रखेंगे अब हम दोबारा ज़ीरो से काउंट करेंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और नाइन के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है अब देखते हैं ये तो नंबर फोर्टीन है नंबर थर्टीन क्या ये है यस ये, ये है हमारे पास नंबर टेन नंबर टेन अब देखते हैं हम ज़ीरो से नंबर को काउंट करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन के बाद हमारे पास नंबर आता है अलेवन क्या ये है हमारे पास नंबर अलेवन नो ये नंबर फोर्टीन है ये ये नंबर थर्टीन है ये यस yes, ये है हमारे पास अलेवन तो हम टेन के बाद अलेवन अब हम दोबारा से काउंट करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन अलेवन के बाद नंबर ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व का फ्लैश कार्ड कहाँ है बिल्कुल सही ये है हमारे पास नंबर ट्वेल्व का कार्ड तो नंबर ट्वेल्व अलेवन के बाद आता है हमारे पास नंबर ट्वेल्व ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव िक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व के बाद गर्थ थर्टीन थर्टीन के बाद शाह पाँच फोरटीन और फोरटीन के बाद नंबर फिफ्टीन बिल्कुल अब हमारे पास नंबर ज़ीरो से लेकर नंबर फिफ्टीन तक सीक्वेंस में है अब हम इन सब नंबर्स को एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करते हैं चले सब बच्चे काउंट करें ज़ीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अब हम कॉपी पर जीरो से लेकर नंबर फिफ्टीन तक नंबर सीक्वेंस में लिखेंगे ओके जी okay, चलें जी अब हम कॉपी पर ज़ीरो से लेकर नंबर फिफ्टीन तक नंबर्स राइट करने की प्रैक्टिस करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen ओके okay, तो प्यारे बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके जो करेक्ट नंबर से वो हम लिखेंगे चलें हम सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में काउंट करते हैं कि हमारे पास कप्स कितनी है काउंट करें वन टू थ्री फोर हमारे पास कप्स कितनी है फोर फोर सेकेंड बॉक्स में काउंट करते हैं कि हमारे पास बटरफ्लाई कितनी है ओनली वन वन मैंगोज़ को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डक्स को काउंट करते हैं वन टू और नेक्स्ट बॉक्स में तो हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर होगा शाप नंबर जीरो जीरो मी नथिंग जीरो कार्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट फ्लैक्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ट्रीज़ को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बलून्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बिस्ल्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कैट्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री ये हमारी काउंट एंड्राइड यानी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके जो करेक्ट नंबर से वो राइट करके ये वाली हमारी प्रैक्टिस है अब जो हमारे पास प्रैक्टिस है वो है कि नंबर्स को हमने करेक्ट नंबर ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है सबसे पहले हमारे पास नंबर है नंबर थ्री तो अब हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं कि नंबर थ्री ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है हमारे पास फिश है वन बलून्स वन टू हमारे पास मैंगोस को काउंट करते हैं वन टू थ्री तो क्या ये हमारे पास नंबर थ्री के साथ मैच होगा बिल्कुल सही ये हमारे पास नंबर थ्री के साथ मैच हो, है. साथ हो रहा है तो हम नंबर थ्री को मैंगोस के साथ मैच कर देंगे फिर हमारे पास नंबर है नंबर वन हमारे पास ओ हमारे पास तो वन फिश मौजूद है तो क्या नंबर वन फिश के साथ मैच हो रहा है बिल्कुल सही हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे फिर हमारे पास है नंबर टू अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर टू ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं वन टू अरे हमारे पास तो पहले से ही मौजूद है टू बलून्स वन टू तो क्या टू बलून्स नंबर टू के साथ मैच हो रहे हैं बिल्कुल सही है इसके साथ मैच हो रहे हैं फिर हमारे पास क्या कौन सा नंबर है नंबर सिक्स अब हम नंबर सिक्स ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं कप्स हैं हमारे पास इनको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर ये तो हमारे पास फोर कप्स हैं क्या ये हमारे पास नंबर सिक्स के साथ मैच हो रहे हैं नौ कैरेट्स भी हैं हमारे पास इनको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये तो हमारे पास फाइव हैं क्या ये हमारे पास नंबर सिक्स के साथ मैच हो रहे हैं नौ हमारे पास आइसक्रीम्स मौजूद हैं इनको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या ये हमारे पास मैच हो रहे हैं बिल्कुल सही हमारे पास ये मैच हो रहे हैं डियर पेरेंट्स आप बच्चों को नंबर शफल करके लिख कर दे दें बच्चों से कहें कि वो नंबर्स को जीरो से लेकर कर फिफ्टीन तक सीक्वेंस में लिखें ठीक है और इसके साथ ही आप इन उनको ऑब्जेक्ट्स बना के दे दें और इनसे कहें कि वो काउंट करके नंबर्स जो करेक्ट नंबर से वो राइट करें और इसके साथ और इसके साथ ही इसी तरह मैचिंग की भी जो है वो प्रैक्टिस करवाएँ इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस करवाएँ फिर दोबारा इनसे रफ कापी पर टेस्ट लें ताकि इनकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो सके